एक आखिरी कोशिश, अगर फिर भी सफलता ना मिले तो हम YouTube छोड़ देंगे जी। लेकिन और इस साइड में लगा दिए साग, इस साइड में मिर्ची और टमाटर। अब चलते हैं मिलके। दोनों लोग का पहला खेती है हमारा ये। राधे राधे फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मिट्टी लाने के लिए दोपहर के समय में। यहाँ पे मिट्टी लाने के लिए एक साइकिल, साइकिल पे सवार है उदय। उस जी नया किराएदार आए हैं ना, नया किराएदार जी, उनको बोल रहे हैं तो कहीं यहाँ पे भात सब फेंकने के लिए नहीं। कौन बोला आपको यहाँ फेंक दिए? वो देखिए हमारे किराएदार को यहाँ फेंकते हुए। अच्छा, यहाँ पे वहाँ बोल फेंकने के लिए। हाँ, तो उनको बोल देंगे कि यहाँ नहीं फेंकना है, उधर फेंकना है डोल में। वो खुद रखते हैं, उनका खुद का बाल्टीन है रखने वाला। हाँ, बोलो वहाँ फेंके। तो उनको नहीं पता है ना, नया है, तो मैं उनको बोल दूंगी कि यहाँ नहीं, यहाँ फेंके। क्योंकि इसके सामने ना वहाँ पे दुकान है तो उनको बदबू जाती है, तो इसलिए उस साइड फेंकना होता है। उनको प्यार से समझा देना। हाँ नहीं, मैं बोल दूंगी, बता दूंगी, उनको नहीं पता है, नहीं है वैसी, इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये बोरा मिलेंगे मिट्टी। सुहाना भी बैठ गई है क्योंकि इसको कार में अभी दर्द कम हुआ है। छूट ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया दवा देने से, अभी ठीक हो गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं मिट्टी लाने। और अभी है दोपहर का टाइम, सबको नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, उदय को भी नींद आ रहा है। और इनको अभी ये करना है क्योंकि ये सुबह में तो उठेंगे नहीं देखिए, इसलिए इनको दोपहर में ही काम करना रहता है। चलिए नहीं, मेरे को एक दिन में दो तीन वीडियो बनाना है। सुबह में उठते ही खाना इनको भूख लग जाती है क्योंकि उठते ही 9 बजे है। अभी तो कुछ परेशान नहीं किए हैं, फेसबुक पेज वापस तो आने दो। परेशानी तो तब शुरू होगा, 10 बजे उठेंगे, दिन भर लोगों को परेशान करेंगे, वीडियो बनेगा, फिल्म बनेगा। जो 5 बजे उठते हैं उनको थोड़ा दोपहर में रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप 10 बजे उठते हैं या फिर हमको परेशान करते हैं? बताओ कहां मिट्टी मिलेगा? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता है, यही कहीं से खोद लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ट्रायंगल पार्क से जाएंगे आप, यही पे कोड़ी, चलिए यहाँ पे मिट्टी नहीं है। है मिट्टी, अपने सवारी के साथ वहीं रहिए, हम लोग देख के आते हैं मिट्टी है कि नहीं। यहाँ पे, यहाँ पे है बकरी, काली कलर की बकरी भी मारती है। हेलो बकरी। यहाँ पे एक दूसरी बकरी, तो यहाँ पे गए मिट्टी देखने के लिए, है कि नहीं? होगा क्यों नहीं, इतने दूर जाने की क्या जरूरत, यहीं से ले लेते हैं। कुछ चीज़ का बदबू आ रहा है, है क्या? बुलाऊं मैं उन लोग को? ये मिट्टी से होगा? नहीं होगा, नमी है। हाँ तो है, तो हो गया ना, बस उसमें धार बनवाना पड़ेगा। रे उदय जल्दी जरा। सुहाना और उदय अपने सवारी पे सवार होके जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि उस वहाँ पे मिट्टी नहीं मिला। इस साइड में है एक परती खेत यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग जा रहे हैं। सुहाना के पापा वहाँ पे पहले से पहुँच गए हैं, देखिए उधर, इधर सुहाना उदय और इधर मैं, पीछे से चलती हुई भटकती हुई आत्मा। नहीं, मैं शूट करूँ ना? क्या उसमें 15 मिनट हो गया है ना? हाँ, इसमें शूट करूँ ना? तो ये नया ब्लॉग है, नया ब्लॉग बना रही हो जी, ये फिर वैसे चला जाएगा। तो अभी शाम के टाइम में हम लोग आए हैं भोज खाने के लिए ना, यहाँ पे मैं, सुहाना, बुंटी सब लोग बैठे हैं और दीदी लोग आगे में बैठे हैं। वहाँ पे सारे दीदी लोग बैठे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, सुहाना के पापा लोग सब है ना, जब वो लोग है ना बुंटी, जब खा के उठेंगे फिर हम लोग चलेंगे। अभी उठ गए हैं, सुहाना के पापा उठे हैं कि खाए हैं, पता लेके जा रहे हैं, शायद खिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी चल रहे हैं क्योंकि खाली हुआ है बुंटी की मम्मी। अभी सब लोग भोजन करके आ गए हैं, कुर्सी यहाँ पे है, हाँ दोनों डाली है यहाँ पे, सही है। तो अब सारा दिन काम किए हैं तो अब जा रहे हैं एकदम सवेरे सोने। क्या हो रहा है तुम्हें माँ बेटी में? ये मुझे जब देखो तब डराती रहती है। हाँ। अभी मैंने डरा दिया, नहीं डराई है। हाँ। मैं भी रोऊंगी, मैंने डराती तो ये रोती है। हाँ। मैं भी रोऊंगी, जाओ फिर से वापिस जाओ, अब डराना जाओ, आओ फिर से, नहीं डरी, अच्छे से डरना, जाओ डरो तो जल्दी जाओ, जाओ भाई। फाइनली भीमू अपने पैरों के, दिनों के बाद नहीं, 2 दिनों के बाद ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, और अपने पैरों की मदद से कहाँ जाती हुई?
मार्केट जाते हैं सब्जी लाने के लिए और रोपने वाली सब्जी भी। जब इतना ही पसंद नहीं था आईफोन का कैमरा तो काहे इतना खर्चा करवाई बताओ। इतना लोन हो गया है, हर महीने 3300 रुपए देते हैं वहाँ पे कंपनी में, EMI भरते हैं हम ऑनलाइन। दोस्तों ऐसा कहीं होता है बताइए। जितने भी आईफोन यूजर है उनको देखेगी वीडियो बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी। हाँ जिसको हम हमारा भी बहुत अच्छा आएगा। इतने दिन से कितने बार मैं ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था। उसमें फिल्टर जो लगा देते आईफोन के वीडियो में तो और भी गंदा हो जाता है, तो वो छोड़ दिए। सोने के बाद ट्राई किया थोड़ा बहुत अच्छा आया, फिर वैसा ही है। मतलब कोई ज्यादा अच्छा सेटिंग नहीं हो पाया हमसे। और कोई भी आईफोन यूजर हमारे कांटेक्ट में नहीं, जो है भी वो भी वो बताए भी नहीं, बताए भी हाँ? तो वो भी नहीं काम किया हमारे से। तो आज अपडेट करेंगे मोबाइल को, आज अपडेट में लगा दिए हैं। अपडेट से हो जाएगा क्या पता, फिक्स हो जाए है ना। तो अपडेट लगा दिए और पीछे वाला घर कैसा है दोस्तों, खरीदने के लिए सोच रहे हैं भी। रिएक्शन शूट करने के लिए ऐसा बोली हम। तो अभी हम लोग मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पे हम उसी में हो जाता, यहाँ पे बीज के दुकान में मतलब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे बीज है, यहाँ अभी ले रहे थे एक अच्छा सा देख के, कुछ टमाटर मिर्ची ले लेते हैं, भिंडी है, टमाटर और मिर्ची ले लिए। बहुत ही मजा था ना पन्नी में। ये मिर्ची और टमाटर यहाँ पे बस मिला। तो ये साग है, ये भी ले लिए, खड़िया का साग। देखते हैं क्या क्या हो पाता है। बीज सब हम लोग ले लिए हैं। अभी भांजी ले रही है मछली। कौन सा मछली ले रही हो? बीघट। जी बोल रहे चलते चलते मुझे मुंह में पसीना निकल रहा है। हम लोग को कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे पसीना निकल रहा है। हैं कहाँ दिखाओ, इधर मुंह दिखाओ, कहाँ पे पसीना। तो अभी सब्जी लेके बीज लेके सारे कुछ लेके मैं पहुँच गई घर, और सुहाना के पापा अभी तक उधर ही है। अभी कॉल की थी तो बोले कि हम उधर ही है, अभी आ रहे हैं। यहाँ पे सुहाना खा रही है अंगूर। क्या खा रही हो? ग्रेप्स। ये है टमाटर और मिर्ची का पौधा, और ये है साग, खड़िया साग। सुहाना खुरपी देखी हो आप कहाँ पे है? थोड़ा मिट्टी को बनाना पड़ेगा। चलो तब तक पापा आते तब तक हम इसको रोकते हैं ऊपर ले जाके। खुरपी देखी हो? खुरपी देखी हो आप कहीं पे? खुरपी कहीं पे देखी हो जी? कहाँ पे है? ऊपर लटका हुआ है चकरे पर। छत पे ही खुरपी है। चलो इसमें पानी ले लेते हैं। मिर्ची पौधा को रोप के उसमें तो पानी पटाना पड़ेगा ना, जब काम है। हाँ, इसमें मिर्ची फलेगा, टमाटर फलेगा, इससे साग फलेगा। चलो पानी ले लेती हूँ मैं इसमें। हाँ आप भी रोपोगे? आपसे थोड़ा ना होगा। चलो देखिए ये कदई को ना पूरा को साफ किए लेकिन फिर भी नहीं साफ हो पाया। देखो इसको ना अच्छे से साफ किए लेकिन फिर भी ये बैठ गया है। ये है ना? इससे साफ किए। साफ चमचम। इसको रख दो। साफ किए हम पूरा है। ये सब में पूरा फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है। चलो इतना पानी नहीं ले जा पाएंगे, आधा ही लेंगे। देखिए दोस्तों अभी पानी पकड़ कर छत पर जा रहे हैं। कौन? मम्मी। हाय मम्मी। हाय ऊपर से छोड़ो ऊपर कुछ, मैं उतना ऊपर नहीं पहुंचूंगी सुहाना, मुझे उठा दो। तो आपको गोदी उठाती हूँ, आप पकड़ो ठीक है। आप भी नहीं पहुंच पा रही। ज्यादा ऊपर करिए, ज्यादा ऊपर। सुहाना को बहुत ऊपर उठाने के बाद क्यों खुरपी को घोल रही हूँ? उसने खुरपी निकाल ली है। चलो मिट्टी को थोड़ा सा और हल्का करते हैं। वैसे तो मिट्टी हल्का है ही, थोड़ा सा और हल्का। हाँ क्या कर रहे हो? उधर फूल रोपा है, फूल है और क्या है वो? एलोवेरा। येलो वेरा। इसको थोड़ा और मिट्टी को हल्का करते हैं। एक कमेंट आया था बेटा कि इसको जो अंदर से बोरा को डाल दिए है तो इसमें मिट्टी में जो एक्सेस पानी रहेगा वो निकलेगा कैसे, फिर हमारा पौधा सब सूख जाएगा। ये भी सही है, उस टाइम पे हम ये सोच के ये बोरा को डाल दिए अंदर से ताकि इसमें जो बारिश का पानी होगा वो ना मतलब मिट्टी के साथ इस साइड से ऐसे निकल के ना हमारे अंदर चला जाएगा, ऐसे नीचे सारा मिट्टी बह जाएगा। ये सोच के हम
ये बोरा डाल दी, उस वक्त हम ये सोचे नहीं कि एक्सेस पानी इसमें से कहाँ जाएगा, और अभी इसको डाल दिए, पता नहीं क्या करें। देखिए एक्सेस पानी निकलने के लिए इस डिब्बे में भी हम ऐसे ऐसा देखिए इसमें वो कर दिए थे, होल बना दिए थे ताकि एक्सेस पानी निकले, और इसको बनाते समय उतना दिमाग नहीं लगाया, बोरी डाल दी। पता नहीं अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, शायद मुझे लगता है होल बनाना पड़ेगा इसमें भी, देखते हैं क्या होता है। कमेंट आया था सुहाना आपसे, नहीं होगा रुको ना, उसको मिट्टी को थोड़ा खोद दिए, मिट्टी को थोड़ा हल्का करते हैं, खोद दिए जगह बना दिए, थोड़ा मिट्टी को हल्का करने दो। ए वैसे खुरपी पकड़ते हैं, लो लो मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं, लो इधर लाओ ना मैं दिखाती हूँ, देखो देखो ये हुआ खुरपी, ठीक है ये खुरपी हुआ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे मिट्टी को हल्का किया जाता है। आपको नहीं होगा, छोड़ दो आप, मैं कर लेती हूँ, छोड़ दो आपसे नहीं होगा। नहीं मैं हो जाएगा, कर दीजिए हाथ उठ, काट मत लेना, हो गया हो गया हो गया, छोड़ दो आप, छोड़ दो अब, हो गया छोड़ दो। देखिए आप मम्मी कर रही है, सुहाना से हो गया ना, जब तक पापा अरे अंकल आ गए, हम सोचे जब खेत में कुछ काम कर रहा है, पापा आ गए, हां बेटा ब्लॉगिंग हो रही है जी। बीनू को पता ही नहीं है कि एक्चुअली साग रोपा कैसे जाता है, हम दोनों ही शहर में रहे, हमेशा गांव के बात भूल चुके हैं, तो बीनू जी को हम अभी याद दिलाएंगे। आप नहीं उदय जी बताए, हाँ उदय जी बताए कि शायद आई थिंक वो अभी श्योर रही है, वो क्या बोले कि पहले साग को छीट दीजिए हल्के हाथों से, ऐसे ऐसे कर दीजिए, हाँ, वो भी श्योर नहीं है, वो भी श्योर नहीं है, और दूसरे के छत पर बैठकर ये खेती कर रही है, वो मकान मालकिन देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं बस। हम भी तो उस दिन उनके गली से होते हुए पीछे सामान लाने के लिए गए थे, कितना बुरा भला सुनाया, उनको मूड खराब होगा उस टाइम पे, दिल पे मत लीजिए आप, दिल पे तो कहाँ लेते हैं, हम चौकी दे रहे हैं। हाँ देखो ना, हम और भी अच्छे से मिला दे रहे हैं, हमको पता नहीं एक्चुअली चौकी देना क्या होता है। ये हुआ हल जोतना, ठीक है, हाँ, हल जोतना, हाँ, और पीछे से वो मिलाते उसको कहते चल हटा हटा चोट लग जाए हटो। फोन कहाँ है, आईफोन, आईफोन में ब्लॉगिंग हो रही है। आया तो अभी सबसे पहले ये साग छीट रहे हैं, हम मैं सोचे कि साग आधा ही छीटते हैं, क्या आपका क्या कहना है, आप जो कहो वो सही है, क्योंकि मिट्टी कम है ना, मुझे लग रहा है कि मिट्टी कम पड़ जाएगी, तो वो बोले आप जो कहो सही, ऐसे ऐसे छीटते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे छीटो, हाँ, जैसे खाद छीटते वैसे छीटो, हो जाएगा पूरा, मैं छीट देती हूँ, इतना तक मैं छीट दो, इतना दूर मत छीटो, हो गया। दोनों लोग का पहला खेती है हमारा ये, अब देखते हैं इसका फल कैसा होता है, सफल होगा कि विफल, हाँ। वो आप लोगों का आगे जानने को मिलेगा, हाँ। मुझे लग रहा है कि होगा ही, ठीक है हो गया, आप इतना मत करिए ना, नहीं पहचानता कौन सा टमाटर, मैंने इसमें फूल रोपा है, वो होगा कि नहीं, 2x 1x में करो ब्रो, 0.5 में अभी नहीं दिखेगा, हाँ 0.5 में अभी नहीं दिखेगा, चोट लग रहा है, लेकिन पौधा ज्यादा ले लिए हो ना, इससे भी ज्यादा था, उसमें से हम कम कम करा के लिए, 5 रुपया का मांगे नहीं दिए, बोले कि नहीं 20 रुपया का होगा, हम कितना रिक्वेस्ट किए तब जाके 10-10 रुपया के, ये क्या है, कुछ होगा, सुहाना खेल रही होगी, देखो ये क्या है, कीड़ा है क्या, ये नहीं तो? किसी चीज का चेन, चेन है ये, किसी का खोया होगा, सुहाना पहले से बोल रही थी मुझे भी रोपना है, आप सारा मत रोपना, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से चले जाओ,
अभी पानी डाल दिए, थोड़ा ही डालना है, अभी बच्चा है अभी। सुहाना इज इंटेलिजेंट गर्ल। हल्का हल्का मात्र डाली, हो गया चलो। और इस साइड में, इस साइड में लगा दिए साग, इस साइड में मिर्ची और टमाटर। अब चलते हैं। तो फैमिली ये 3-4 दिनों का ब्लॉग है जो कि आज जा रहा है, और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी है कि हमारा चैनल जो नए वाले बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि खुलने वाली है, ऑलरेडी खुल चुकी चैनल है वो, क्योंकि हाँ। 2 साल पुरानी चैनल है, सुहाना नाम की चैनल है। तो उस पर हम काम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत 2 बार चैनल बनाए, 2 बार गिरे, और 2 बार में हम सीखे हैं, और जो गलती हम इसमें किए हैं अब हम उस चैनल में नहीं करेंगे। तो आप सबसे जो भी हमसे प्यार करते हैं, जुड़ते हैं, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अब आने वाले ढेर सारे वीडियो वहाँ पे आएगी, ठीक है। और उस चैनल पे हम, हमारा पूरी कोशिश रहेगा कि हम गलती ना करें। अभी के 2 चैनल पे हम अच्छे से मतलब सीख पाए हैं, इसमें गलती हो चुकी है, तो इसके वजह से अभी देख सकते हैं आप लोग चैनल का हाल। बाकी उस चैनल पे हम गलती नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे गलती ना हो, और वो हमारा आखिरी चैनल हो, है ना। ये आखिरी कोशिश, अगर फिर भी सफलता ना मिले तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे जी, लेकिन एक आखिरी कोशिश करना चाहते हैं उससे पहले। तो आप लोग उस हमारे आखिरी कोशिश में हमें सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।